क्या आप फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदने की सोच रहे हैं? उसके पहले ये वीडियो एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदना सही है या गलत। नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप में से कोई भी फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदने की सोच रहे तो ये वीडियो जरूर देखें, कि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदने की जो सोच है वो सही या गलत वो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए देख लीजिए कि फोल्डेबल मॉस्किटो नेट हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है या नहीं।
कंप्यूटर नेट को फोल्ड करने के लिए मैंने एक घंटा जो कसरत की, अगर मैं रोजाना इसी तरह से इसी मॉस्किटो नेट को फोल्ड करने के लिए कसरत करती जाऊँ ना, इसके बाद ना तो मुझे कहीं जिम जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे कोई एक्सरसाइज करने का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे करते ही मेरे जितने भी कैलोरी हैं वो रोजाना अपने आप घट जाएंगे। बहुत से लोग इसे बहुत आसानी से रिव्यू दे देते कि ये इस तरह से फोल्ड करने से फोल्ड हो जाते हैं, इस तरह से फोल्ड करने से फोल्ड हो जाते हैं, इतना इजी वे से बताते हैं या फिर दिखाते हैं। मैं हैरान रह जाती हूँ कि वो ये एक ही बार दिखा रहे या फिर वो रोजाना कर रहे, क्योंकि मैं जब इसे खरीदी और खरीदने के बाद जब मैं इसे एक बार खोली, दो बार खोली और उसे फोल्ड करने की कोशिश की, और करते समय मुझे ये एहसास हुआ कि इसे फोल्ड करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब इससे तो अच्छा है कि हम वो जो नॉर्मल नेट होता है ना, जो चारों ओर कोना लगा के रस्सी बांध के हम टांग देते, वो इससे बहुत ही इजी है। यहाँ तक कि आपको खोलना इजी है, लगाना इजी है। हाँ, अब बहुत कोई हम सोचते हैं कि फ्लैट में या फिर घर के अगर चार काठी नहीं होंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे, इस वजह से हम कभी कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच मानिए, अगर आप सोच रहे कि इस तरह का फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीद के रोजाना उसे खोलेंगे और फोल्ड करेंगे, एक तो इसका जितना प्राइस है वो उतना दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको खोलते समय ही देखी जो जहाँ पे हाफ सर्कल कर करके जो वो गोल गोल घुमाए हैं या फिर उसका जो भी वो शेप दिए हैं, कई जगह पे वो एक तार के अंदर एक तार घुसा हुआ है। दो तीन बार कोशिश करने से मैं देखी कि वो तार निकल गया। तो अब आप सोचिए कि अगर उसका तार इस तरह से निकल जा रहे हैं तो उसके बाद अब जब भी उसको घुसाने जाएंगे तो वो बार बार निकलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो तार निकल के इधर उधर नेट में घुस जाएंगे तो नेट में भी छेदा हो जाएगा, यानी नेट फट भी जाएंगे। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करके इस तरह का मॉस्किटो नेट, मतलब फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदने से अच्छा है कि आप नॉर्मल वाला कोई भी मॉस्किटो नेट खरीद ले, जो आपका लगाने में भी आसानी हो और जो पैसों के हिसाब से टिके भी बहुत ज्यादा। मतलब पैसे भी इन्वेस्ट करना है, उसके बाद रोजाना इसमें इतना सारा मेहनत भी डालना है, तो फिर ऐसा चीज खरीद के फायदा ही क्या। तो इसलिए मैं सोच के रखी थी कि अगर वो इजी होगा, फोल्डेबल होगा और उसे रेगुलर मेंटेन करना भी इजी रहेगा, तभी मैं उसे रखूंगी। तो जब मुझे लगा कि ये मेरे लिए किसी भी हाल में इजी तो है नहीं बल्कि बहुत ही डिफिकल्ट है, कि ये मेरे घर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं उसे दो तीन दिन कोशिश की कि पहला बार नहीं हुआ तो चलो ठीक है, हो सकता है कि दो बार या फिर तीन बार करने से हो जाए, लेकिन हर बार मैं फेल हुई, तो इसलिए मैं उसे रिटर्न कर दी। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ यही रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि अगर आप फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदने की सोच रहे तो उसे रिटर्न पॉलिसी उसमें है कि नहीं ये देख के आप मंगवाएं, उसे आप देखें कि आपको कितना आसानी से उसे आप मतलब मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, उसे रेगुलर आपको खोलना फोल्ड करना आपके लिए इजी होगा कि नहीं, तभी आप रखें, नहीं तो उसे रिटर्न कर दें, क्योंकि मेरी राय है ये बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है। क्योंकि वो जो दावा करते हैं कि इसे लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह खोल के लगा सकते हैं, ये उतना इजी नहीं है। आपको उसको खोलने के लिए भी एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, या तो आप पलंग के ऊपर खोलिए या फिर खुला जगह जहाँ है वहां पे खोलिए, फिर उसको पकड़ के ले जाके पलंग के ऊपर बैठाइए। तो इसलिए इसे मतलब लेके इधर उधर मूव करना या फिर कहीं भी जाके खोल देना लगाना इतना इजी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ से आपको जेन्युइन रिव्यू मिल जाएगा कि ये फोल्डेबल मॉस्किटो नेट कितना फायदेमंद है या नहीं। मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ तक कि अगर आप में से कोई भी इस तरह का फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदे हैं और खरीदने के बाद आप लोगों की राय क्या है, ये बात भी आप मेरे वीडियो में कमेंट्स में आकर जरूर बताएं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी राय से कितनी की राय मिलती है ये पता चल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।